दरिंदे डांस ट्रेनर की हैवानियत से उठा पर्दा, तो चौंक गई यूपी पुलिस। हैवानियत की हदें पार कर छात्राओं के बनाए अश्लील वीडियो, गर्लफ्रेंड का न्यूड वीडियो दिखाकर बनाया 14 छात्रों का पॉर्न। कहता था स्टार कैसे बनोगी, मैं जैसा बोलूं वैसा करो। वो कहता था कि तुम्हें स्टार बनना है तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो। ये बोल है उन छात्राओं के जिन्होंने डांस के जरिए अपनी तरक्की का सपना देखा था, लेकिन एक हैवान दरिंदे डांस ट्रेनर ने इन छात्राओं के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आलम ये रहा कि डांस ट्रेनिंग के नाम पर आरोपी छात्राओं के शरीर को छूता था। जब वे उससे अपने शरीर को छूने से रोकती तो वो कहता कि स्टार कैसे बनोगी। इतना ही नहीं, आरोपी की दरिंदगी का आलम तो ऐसा था, वो उनकी अश्लील वीडियो बनाने से भी बाज नहीं आया। जब इस मामले में खुलासा हुआ तो कानपुर पुलिस के भी होश उड़ गए। कानपुर के अर्बन डांस एकेडमी में जो घिनौना खेल चल रहा था, उससे इन छात्राओं ने पर्दा उठाया, जिसे सुन पुलिस भी चौंक गई। जिन बच्चियों को वो डांस सिखाता था उनको डरा धमका कर उनका अपराध, उनके साथ जो है यौन शोषण करते हुए, अपराध करते हुए वीडियो बनाता था, और फिर उस वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल करके उनसे और पैसे प्राप्त। दरअसल जिले की दबौली एक ब्लॉक में आर्यन सोनी उर्फ हिमांशु सोनी अर्बन डांस एकेडमी है। इस डांस एकेडमी में कई छात्राएं डांस सीखने के लिए आती थी, लेकिन हैरान डांस ट्रेनर की सोच इतनी गंदी थी कि उसने छात्राओं को अपने जाल में एक एक कर फंसाना शुरू कर दिया। उसने डांस सीखने के लिए आने वाली छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाने शुरू कर दिए और इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उनका यौन शोषण करने लगा। हद तो तब हो गई जब उसने अश्लील वीडियो के नाम पर इन छात्राओं से रुपए की डिमांड करनी शुरू कर दी। हालांकि कुछ और लड़कियां डांस ट्रेनिंग की दरिंदगी का शिकार होती, उससे पहले ही मामले से पर्दा उठ गया। एक छात्र ने जब अपनी मां के अकाउंट से 19,000 रुपए ट्रांसफर किए तो ब्लैक मेलिंग की डर्टी गेम का खुलासा हुआ। ये एक प्रार्थना पत्र साइबर सेल में, अपने क्राइम ब्रांच का साइबर सेल है, उसमें प्राप्त हुआ कि एक महिला ने यह प्रार्थना पत्र दिया कि उसके अकाउंट से करीब 19,000 रुपए फ्रॉड के थ्रू किसी अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो गए, वो ट्रांजेक्शन जो उसके द्वारा नहीं करा गया। इस पे जब इन्वेस्टिगेशन करी गई साइबर सेल द्वारा, तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जसवंत, जो जिससे जब जानकारी करी गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि एक व्यक्ति है आर्यन सोनी, जिसने उसको ये बताया था कि ये उसके जो वो डांस एकेडमी चलाता है उसकी फीस का पैसा है और इसलिए खाते में आया है। तो उसने पैसा विड्रॉ करके उसको दे दिया। जब आर्यन सोनी से इस संबंध में पूछताछ करी गई तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि ये वो जिन बच्चियों को वो डांस सिखाता था उनको डरा धमका कर उनका अपराध, उनके साथ जो है यौन शोषण करते हुए, अपराध करते हुए वीडियो बनाता था, और फिर उस वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल करके उनसे और पैसे प्राप्त। हालांकि शुरुआती जांच में आरोपी का मोबाइल खंगाला गया तो वीडियो नहीं मिले थे, लेकिन पुलिस को डांस ट्रेनर पर पूरा शक, इसलिए पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। तब जाकर आरोपी ने अपना गुनाह कबूला। उसने पुलिस को बताया कि गूगल ड्राइव में सभी वीडियो सेव हैं। उससे पासवर्ड लेकर जब गूगल ड्राइव ओपन किया तो उसमें सभी 14 वीडियोस मिले। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि किसी को वीडियो ना दिखे, इसलिए उसने गैलरी से वीडियोस डिलीट कर दी हैं। कि तीन बच्चियों के बारे में उसने और जो है पूछताछ के दौरान संज्ञान में तथ्य लाए हैं, जिनके संबंध में विधिक कार्रवाई जारी है। कुल कितने वीडियो मिले? टोटल अभी वीडियोस के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, वो फॉरेंसिकली भेजा जाएगा। ये जानकारी है कि उसके द्वारा बनाए गए थे और मोबाइल के में ही कैमरे। शुरुआती पूछताछ में छात्रों ने बताया कि पहले ट्रेनर ने उन्हें डांस इंडिया डांस में भेजने का प्रलोभन दिया था। ट्रेनर ने अपनी गर्लफ्रेंड का न्यूड वीडियो दिखाया और उनसे भी वैसा ही करने को कहा। इसके बाद उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और उन्हें ब्लैकमेल करके रेप करने लगा। यही नहीं, छात्राओं ने पुलिस को ये भी बताया कि आर्यन सर उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर एक घंटा पहले एकेडमी पर बुलाते थे।
अकेले डांस सिखाने के बहाने पहले वे शरीर के अलग अलग अंगों में हाथ लगाकर गंदी बातें करता था और फिर उनके साथ घिनौनी घटना को भी अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी का मोबाइल कब्जे में ले लिया है, साथ ही पुलिस उसके मोबाइल की फोरेंसिक लैब में जांच कराएगी ताकि मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया जा सके। इस पूरे मामले की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। कानपुर से अम्बरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।